हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बताएं मुझे, ऑडियो वीडियो क्या आ रहा है, क्या सुन पा रहे हैं? अच्छा, मैंने माइक नहीं लगाया, तो मैं माइक लगा लेता हूँ ना, क्योंकि आप लोग को दूर और पास का प्रॉब्लम रहता है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे एक बार कंफर्म करें कि ऑडियो वीडियो आ रहा है। अभी तो आ रहा होगा, माइक लगा रहा हूँ मैं। यस, बताएं सुरभि, अश्वनी, दशन, हिमांशी, रेबिका। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ऑल क्लियर। और मुझे लग रहा है आज शेयर नहीं हो पाया, क्योंकि लोग मुझे अभी कम दिख रहे हैं। जस्ट अ मिनट, एक मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, एक मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा, एसी ऑन कर देता हूँ, है ना। या बाकी लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, जल्दी से बाकी लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि द सेशन हैज बीन स्टार्टेड, और वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। आज का जो सेशन है वो हम लोग बहुत लेंदी नहीं लेंगे, बट हाँ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, लेक्चर चालू है नाउ। द जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज मी योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग। राइट नाउ सबके लिए ये सब्जेक्ट चल रहा है, ये मेरा नाम है। एंड इफ यू हैव नॉट फॉलोड मी, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 ईयर्स, एंड मोर देन, मतलब अगर मैं अपने जस्ट बात करूँ, आई हैव क्रैक गेट मेनी टाइम्स। और दीज आर द सब्जेक्ट्स। राइट नाउ हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चल रहा है। आई एम मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख ऑफ स्टूडेंट्स। आई वॉज इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड मोर देन 100 करियर गाइडेंस सेमिनार। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड दिस इज द कोड विच यू कैन यूज एनी वेयर। अगर आपको लग रहा है कि आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो आप किसी भी जर्नी में इस कोड को यूज कर सकते हैं, अन अकेडमी में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जस्ट अन अकेडमी आपको दो टाइप के पेड कोर्सेज देता है, एक आइकॉनिक है, एक प्लस है। आइकॉनिक में है और प्लस में अगर मैं बात करूं, तो प्लस में आपके पास रहती है लाइव क्लास, आपके पास रहता है क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, और लास्ट वन इज द रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस। ये रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस। और अगर आइकॉनिक की बात करें तो प्लस के सारे बेनिफिट मिलते हैं, साथ में आपको मिलता है एक पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर, प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल, स्टडी बूस्टर सेशंस एंड पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस। तो आप इसमें से प्लस या आइकॉनिक कुछ भी परचेज कर सकते हैं। और ये 12, 18 और 24 मंथ्स के जो भी कोर्सेज हैं उनका ये फीस स्ट्रक्चर है। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड, द कोड इज व्हाट, त्यागी 100। आप ये कोड लगा सकते हैं और इस कोड को लगाने से यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। जितने भी लोग हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बाकी लोगों को इन्फॉर्म करें, है ना, ताकि सब लोग आ जाए। चलो तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आइकॉनिक है आपका फी स्ट्रक्चर, 12, 18 एंड 24 मंथ्स। अगेन यू कैन यूज द सेम कोड, द कोड इज व्हाट, त्यागी 100। दिस इज ऑफर अलर्ट, ये अभी ऑफर चल रहा है। 6 मंथ का परचेज करने पर आपका 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन है जो मिल रहा है। तो जो लोग भी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो आपको 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप इसको जस्ट अगर चाहें तो जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। अन अकेडमी गेट एंड ईएससी आपका, जस्ट अगर थोड़े से प्राइस की बात करें तो अगेन जो प्राइस है वो हाइक हो रहा है, तो आप इस पे जस्ट थोड़ा सा फोकस करिए। अगर आपको लग रहा है आपका आज का डाउट, जो भी डेस्क है यहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अन अकेडमी की जो स्पेशल क्लासेस होती हैं यहाँ पे, जस्ट आपके जो भी डाउट हैं, अनलिमिटेड डाउट आप पूछ सकते हैं कभी भी कहीं भी, ठीक है। ये स्पेशल क्लासेस के कुछ फीचर्स हैं। अगर आप स्पेशल क्लासेस देखते हैं तो नो डाउट आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, पोल्स मिलते हैं, आपको रेज अ हैंड का ऑप्शन मिलता है, क्लास कभी मिस ना हो इसलिए नोटिफिकेशन जाती है। लेक्चर के नोट्स आप पीडीएफ फॉर्म में कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास को आप कभी भी कहीं भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ये न्यू बैचेस मैकेनिकल वालों के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, आपके यहाँ से मैकेनिकल वालों के लिए ये भी बैच है, और केमिकल वालों का मैं बैच डालना भूल गया, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरे कुछ क्लास बाकी है, मैंने देखे नहीं है, देखूं या नहीं। जिनको क्वेश्चंस करना है वो सारे के सारे देख सकते हैं, ठीक है। जिनको भी क्वेश्चंस करना है वो सारे के सारे वॉच कर सकते हैं। आज का जो सेशन है वो बेसिकली हमारा क्वेश्चंस के लिए है, तो मैं क्वेश्चंस को लोड कर लेता हूं और उसके बाद मैं बाकी लोगों को शेयर कर देता हूं, बिकॉज आज
शेयरिंग नहीं हुई है और दैट्स नॉट गुड। चलो हम यहाँ से जस्ट आज कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको शेयर करते हैं और आई होप कि मतलब आप क्वेश्चंस को एंजॉय करोगे, है ना। आप पहला अभी दूसरा क्वेश्चन छोड़िए, यहां से क्वेश्चन करिए, थर्ड क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर थर्ड से करिए बेटा, जल्दी से, आसान आसान से क्वेश्चन है, जस्ट आपको देखना है, ट्राई करना है एंड यू हैव टू गिव द आंसर। चलिए बेस्ट बुक फॉर द हीट ट्रांसफर अगेन एंड अगेन, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड से करिए। मैं अभी फर्स्ट और सेकंड पे अभी जस्ट चाह रहा हूं कि अभी आप ना फोकस करें, पहले इस पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड से करिए, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी रूट ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से करें। ये कल ही इस पे बात हुई थी फयाज अहमद, है ना, कि कुछ जो टॉपिक छूट गए हैं वो टॉपिक करेंगे, कल बात हुई थी इस पे बच्चे, है ना, फयाज अहमद। सैटरडे क्या हुआ, कल की क्लास नहीं देखी है, सो अभी अगर आप कल वाली क्लास देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से बताएं। मेरे ख्याल से आसान है, मेरे ख्याल से आसान है, आप यहां से जस्ट इसको कर सकते हैं। काफी लोगों ने आंसर दिया है, अपेक्षा ने दिया है, रेबका ने दिया है, मंदार ने दिया है, सब लोगों ने आंसर, जल्दी करो जल्दी करो, फास्ट करो फास्ट करो, इतना टाइम नहीं है अपने पास, इतना टाइम नहीं है। हाँ क्लास डेली होती है सेम टाइम पे, है ना, क्लास डेली होती है सेम टाइम पे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, एक्स कॉमन ले सकते हैं दोनों साइड से, आपके पास कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी और ये आ जाएगा रूट ऑफ, यहां से अगर आप इसको जस्ट देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, ठीक है। आप यहां से जस्ट देख सकते हैं कॉस एक्स बाई एक्स, अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे साइन एक्स बाई एक्स, ये वैल्यू तो जीरो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, यहां से देख सकते हैं बेटा कितना मिलेगा, 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स, एक्स टेंस टू इंफिनिटी है, ये कितना आ जाएगा अगर आप ये लिमिट हटा दीजिए, ये कितना आएगा जीरो डिवाइडेड बाई, हम लोग कर चुके हैं इसको, कॉस की वैल्यू बेटा वन से लेके आपका माइनस, यहां से वन से लेके आपका कहां तक जा सकता है, आप माइनस वन के बीच में लाई करेंगे तो ये अगेन वन से माइनस वन के बीच में लाई करेगी, डिवाइड बाई आपके पास इंफिनिटी, ये भी जीरो आएगा, आंसर आपका आ जाएगा वन, दैट्स इट फिनिश, आंसर आपका यहां से वन आ जाएगा, आंसर आपका वन आ जाएगा, आप यहां से जस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीरो आ रहा है क्या, जीरो आ रहा है क्या किसी का, आंसर इज वन, आंसर इज वन, जीरो नहीं आएगा, आंसर वन आएगा बट्टे। आंसर आपका वन आएगा, कल से मैं कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करने जा रहा हूं, कल से मैं कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करूंगा, तो कल से आप जस्ट सारे के सारे मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बताएं, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर, अरे कॉस का ग्राफ देखो ना बेटा, कॉस का ग्राफ, कॉस का वैल्यू कितना आपका, यहां से कहां तक जाते हो, कॉस का ग्राफ कैसे जाता है, इन्हीं के बीच में तो लाई करेगा ना, ठीक है, ये इन्हीं के बीच में तो लाई करेगा, तो कॉस माइनस वन से वन के बीच में ही तो लाई करेगा, साइन का ग्राफ, वैसे कॉस का ग्राफ पढ़ाया तो था, ये अमित निजाद पढ़ाया तो था बेटा, ठीक है, यस 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 यस, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स
माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स बाई एक्स कैसे होगा, कहां पे? इस वाले क्वेश्चन में या पिछले वाले क्वेश्चन में? हर्ष राजपूत किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो या इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? ये तो ओके है ना, सबका हो गया। इस क्वेश्चन में किसी को कोई इश्यू है क्या? एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस कॉस एक्स, करेक्ट। चलिए इसका क्वेश्चन ये बताइए, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर वन बाई एक्स स्क्वायर। प्रीवियस वाला, अरे यार प्रीवियस वाला तो सीधा देखो, हमने कुछ नहीं किया इसमें, कुछ नहीं किया। एक्स टेंस टू इंफिनिटी है ना, आपको मैंने एक्स कॉमन ले लिया दोनों साइड से, जरा जरा सी बात इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कैसे काम चलेगा। एक्स वन माइनस कॉस एक्स है ना, और डिवाइड बाई यहां पे एक्स आ जाएगा, डिवाइड बाई यहां पे एक्स आ जाएगा, क्या ये कट नहीं जाएगा है ना, क्या ये कट नहीं? अरे देखो ये अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मुझे ग्राफ नहीं याद रह रहा, मैंने कब बोला कि आपको ग्राफ याद रखना है? एटलीस्ट ये तो पता है ना कि कॉस की वैल्यू माइनस वन से वन और साइन की वैल्यू माइनस वन से वन लाई करती है, इतनी बात तो, वो टेबल तो याद है ना आपको, ये टेबल तो याद है ना, जब आपने कॉस जीरो इज इक्वल टू वन याद किया था, कॉस की वैल्यू जीरो की यहां से वन है ना, कॉस यहां से पाई बाई सिक्स की आपको याद होगा ना, कॉस थर्टी कॉस फोर्टी फाइव यहां से कॉस, ये टेबल तो याद ना, इतना तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता तो बताओ, मैं टेबल बता देता हूं, ठीक है, ऐसा मत बोलो। ये बेटा आपके पास यहां से वन प्लस, अब आप लिमिट लगा दीजिए यहां पर, ये जीरो केवल वन बचेगा। हर्ष राजपूत यू आर डिस्टर्बिंग मी है ना, जस्ट अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ऐसे कैसे कॉमन ले सकते हैं, तो इसका मतलब आप स्टूडेंट नहीं हो, आप जस्ट डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे ख्याल से। इतना सबको, कोई बच्चा ऐसा जिसको इसमें दिक्कत हो, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको इसमें दिक्कत हो कि मैंने एक्स कैसे कॉमन ले लिया, ठीक है, अगर कोई किसी को ऐसा दिक्कत है तो प्लीज आप अपना जा सकते हैं है ना, मैं एक्स कॉमन ले रहा हूं उसमें से, उसमें बोला कि सर आप ऐसे कैसे कॉमन ले सकते हैं। चलो बताओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से, सो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एनी वन हु कैन गिव मी द आंसर, एनी वन हु कैन गिव मी द आंसर, क्लियर है ना? चलो चलो चलो, यस बच्चे, बस ये वाला क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन को बताएं फास्ट, बताएं। इसके लिए बताएं जल्दी से, कोई बच्चा ऐसा जो कर पा रहा, बी आ रहा है ई रेस टू द पावर वन बाई फोर, बी आ रहा है इसका आंसर, बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं कि कितना आ रहा है। e रेस टू द पावर वन बाई फोर, चलो देखते हैं, बताना है इसको या कर लेंगे, इसको बताना है कि कर लेंगे, मेरे ख्याल से कर लेंगे सारे के सारे, और अगर बताना है तो मुझे जल्दी से बताइए। लिमिट x टेंस टू जीरो है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, रेस टू दी पावर, ऊपर पावर भी लगी हुई है, जीरो बाई जीरो रेस टू दी पावर आपके पास यहां से वन बाई, बताना है, हो गया बेटा सबका, कुछ नहीं करना है, ई टू दी पावर एक्स को ब्रेक कर देना है, आप जब ब्रेक करेंगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, ओके okay, चलो देखो यहां से जब आप इसको ब्रेक करोगे ई टू दी पावर माइनस एक्स को, तो वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल माइनस ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल और प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता जाएगा। इतनी बात तो सबको पता होगी, माइनस टू आगे गिवन है,
इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब आप यहां से जस्ट देखेंगे ये ऑड वाले टर्म जो है वो कट जाएंगे सारे के सारे, और ये वन प्लस वन टू कट जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, टू टाइम्स ऑफ द एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल प्लस टू टाइम्स ऑफ द एक्स टू द पावर फोर डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप से डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज था। तो ये वाला डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हटा दो बेटा, जब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास यहां से क्या वैल्यू मिलने वाली है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, यहां से लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, और यहां से जस्ट इसको सॉल्व करोगे तो आप टू ले लो कॉमन, यहां से एक्स स्क्वायर उड़ाओ तो आपके पास कितना बचने वाला है, आपके पास बचने वाला वन बाई टू फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस आपके पास यहां से कितना बचने वाला है, यहां से टू ले लिया तो कॉमन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता जाएगा और इसकी पावर बचेगा वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने यहां से लिया था वाई से, आप यहां से एल एन वाई लीजिए, एल एन वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, और यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास टू टाइम्स ऑफ द एल एन ऑफ, यहां से ये पूरा का पूरा आ जाएगा, तो वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल दीजिए नीचे, और ये बचेगा आपके पास यहां पे वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, कुछ इस टाइप की कहानी बचेगी आपके पास, ठीक है। आप एक्स इज इक्वल टू यहां से जस्ट देखेंगे जो भी कहानी है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, मेरे ख्याल से आप सारे के सारे बच्चे कर लेंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बताओ बेटा अभी कर लोगे क्या, अभी कर लोगे, अभी आपको कुछ मेरे ख्याल से अब तो इश्यू नहीं होना चाहिए, अब तो इशू नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं था, केवल आपको यहां से e टू दी पावर x को ब्रेक करना था, कुछ नहीं था, केवल केवल आपको e टू दी पावर x को ब्रेक करना था और आपका आंसर जो था वो आ जाता, ठीक है। बताएं जल्दी से, हो जाएगा, हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल होगा कहां पे, कहां पे, ठीक है, अगर कहीं लिख गया हो तो कर लो क्लियर। चलो तो आंसर जो इसका बेटा आएगा वो e रेस टू दी पावर वन बाई फोर आएगा, मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा, अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बता दें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, e रेस टू दी पावर वन बाई फोर आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, और आंसर अब मुझे बताओ जल्दी से, ये या ये या ये, और मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए, ये क्या लिखा है, वन बाई टेन लिखा होना चाहिए, आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए, वन बाई ट्वेल्व, डिस्टर्बेंस मैं गलत समझ गया, मैं थोड़ा पेन पतला कर लेता हूं, है ना, थोड़ा पेन पतला कर लेता हूं, कितने लोगों का आंसर जो है ना, कितने लोगों का जो आंसर है वो ये आ रहा है वन बाई फोर, बताओ मुझे जल्दी से, अमित निषाद का नहीं आ रहा है, अमित निषाद का नहीं आ रहा, कुछ नहीं है बेटा, आपको यहां से बस इसको ब्रेक करना है, करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी आएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर डी आएगा, इसका आंसर वन बाई फोर नहीं डी आएगा, बताओ जल्दी से कंप्लीट करा दें, थोड़ा सा जगह कम बच जाती है इसलिए थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं, यहां से देखो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो की बात कर रहा है, पेन विजिबल है कि नहीं, इसको यहां से ब्रेक कर लेते हैं, ये बेटा यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल और माइनस प्लस एक्स टू दी पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और प्लस एंड सो ऑन, आप मुझे बताएंगे माइनस 1, यहां से देखिएगा, यहां से चलो 1 माइनस ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल और माइनस ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, इस टाइप से कट जाएगा माइनस टू, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये आपने यहां से बोला कि सर ये क्यू ये वाले टर्म यहां से एक्स क्यूब वाला जो टर्म है ये आपके सारे के सारे उड़ जाएंगे, आपके पास यहां से जो बचेगा वो ये बचेगा लिमिट ऑफ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक्स टेंस टू जीरो आपके पास बचेगा टू प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, लेकिन टू बचेगा प्लस टू ऑफ एक्स टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाई, यहां से बेटा बचेगा एक्स टू दी यहां से फोर फैक्टोरियल और प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स टू दी पावर सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और माइनस का टू पहले से ये टू टू उड़ जाएगा, रेस टू दी पावर आपके पास वन बाई एक्स स्क्वायर और था, इसको यहां से हटा दीजिए, ठीक है।
डिवाइड बाई आपके पास यहां से एक्स स्क्वायर था, इसको यहां से ले लीजिए और ये कहानी कुछ इस टाइप से आ गई। अब आप यहां से जस्ट देखेंगे कि सर टू कॉमन ले लीजिए, एक्स टेंस टू बेटा आपके पास आ जाएगा जीरो, मैंने यहां से टू ले लिया कॉमन, आपके पास यहां से बचा ये बचा बेटा वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर हमारा फिनिश, प्लस हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां से फोर फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर सिक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास बचा सिक्स फैक्टोरियल यहां से सॉरी एक्स टू दी पावर फोर डिवाइड बाई सिक्स फैक्टोरियल एंड सो ऑन, कोई गलती कर जाओ तो प्लीज बता देना, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर जो था वो हमारा उड़ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको यहां से कुछ नहीं करना है, फिर से डिवाइड कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर कट जाता है, देखो ये एक्स स्क्वायर कटा यहां पे, ये एक्स स्क्वायर कटा ना यहां पे, इसको देखो ना यहां पे, ये वाला एक्स स्क्वायर कटा है जो नीचे था एक्स स्क्वायर, ये वाला ये कटा है। अब हमने यहां से जस्ट बोला कि सर मैं काम करना चाहता हूं, मैं यहां से ये वाई इज इक्वल टू दिया गया है, मैं एल एन वाई लिखना चाह रहा हूं, तो वाई इज इक्वल टू हमारा डायरेक्टली ई रेस टू दी पावर आ जाएगा, हम यहां से लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो और ये आ जाएगा टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट, ठीक है, वन बाई टू फैक्टोरियल और प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास आया फोर फैक्टोरियल और प्लस एक्स टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाई सिक्स फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस टाइप से आएगा। बताइए जल्दी से बताइए, ई रेस टू दी पावर यहां से वन बाई फोर नहीं आ रहा होगा आंसर, आपका वन बाई ट्वेल्व आ रहा होगा आंसर, चेक करिए एक बार, वन बाई ट्वेल्व आ रहा होगा मेरे बच्चे आंसर, ठीक है। अब ये आपके पास है, आप यहां से जीरो रखेंगे तो आपके पास आंसर देखो क्लियरली कितना आ रहा है, यहां से जस्ट जीरो रखेंगे, ये वन बाई टू फैक्टोरियल वन बाई टू, यहां से रखेंगे जीरो बाई जीरो जीरो बाई जीरो, तो क्या करना चाहिए आप यहां से बताएं, अब यहां से बताइए कि हमें अब क्या करना चाहिए, आंसर जो गिवन है वो डी गिवन है, आंसर जो गिवन है वो डी गिवन है। अब बेटा हम यहां से क्या कर सकते हैं, हमने बोला कि सर एक बात बताओ, यहां से अगर मैं रखना चाहूंगा तो मेरे पास यहां से x टू दी पावर x इज इक्वल टू जीरो रख दीजिए यहां से, तो नीचे जीरो है तो सर हम तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, हम तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या रास्ता है, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जल्दी से बताएं मुझे कोई रास्ता जिससे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्वेश्चन थ्री डिस्कस, ये क्वेश्चन थ्री डिस्कस कर फिर से करना है, नीतू वर्मा का कहना है क्वेश्चन थ्री डिस्कस करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, चलो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, लिमिट ऑफ ई रेस टू दी पावर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, आप यहां से डिवाइड करेंगे बेटा तो आपके पास यहां से वन बाई एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस यहां से वन बाई फोर फैक्टोरियल बचेगा और प्लस यहां से जस्ट देखेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्स फैक्टोरियल बचेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्स फैक्टोरियल बचेगा, इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से अंदर हमने डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे ये बताइए, एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, वन बाई एक्स स्क्वायर और वन बाई फोर फैक्टोरियल इज ओके, आपको क्लियर है यहां से दिख जाएगा, एलएन बेटा यहां से रहेगा साथ में, है ना, एलएन रहेगा, मैं एलएन लिखना भूल गया हूं, ये एलएन मैं लिखना भूल गया हूं, कहां से लिया है मैंने, एलएन ना मैं लिखना भूल गया हूं, एलएन रहेगा, एलएन रहेगा, एलएन रहेगा, एलएन रहेगा, एलएन आ जाएगा, एलएन आ जाएगा, एलएन के बारे में परेशान मत हो, एलएन मैं भूल गया लिखना बस और कुछ नहीं, एलएन मैं भूल गया यहां पे लिखना, है ना, चलो बताइए जल्दी से, कुछ कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं क्या, कुछ कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं क्या, ओके 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 ओके, हमने यहां पे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, हमने एक्स स्क्वायर जब इसको कट किया था तो ये बेटा हमारे पास यहां से टू आ रहा था, कहीं पे मिस्टेक हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है, टू
एक्स स्क्वायर, एलन आ गया। मुझे यहां से बताओ, यहां पे कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, इस पार्ट में कुछ मिस्टेक हो गई है क्या? यहां पे थोड़ा सा पेन और मोटा कर लेते हैं। इस पार्ट में कुछ मिस्टेक हो गई है क्या? अगर बेटा हम यहां से देखें तो ये 2/2 कट गया, मेरे पास ये आ रहा है वाई इज इक्वल टू, देखना जरा, मैंने बोला कि ये हमारे पास कितना, यहां से 2 से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1+ आना चाहिए ना, ये 1+ आना चाहिए ना, ये यहां से 1+ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आना चाहिए ना, रेस टू दी पावर 1/x2। एक बार मुझे बताना जरा कंफर्म करके, एक्स स्क्वायर दोबारा यूज कर लिया क्या? नहीं, एक्स स्क्वायर तो दोबारा यूज नहीं किया था, एक्स स्क्वायर तो दोबारा यूज नहीं किया। एक बार देखो जरा जल्दी से देखो, कहीं कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग, कुछ मिस कर रहे हैं। ये हमारे पास जो फंक्शन है, हमने यहां से जस्ट बेटा देखा ये कट गए, तो हमारा 2 times ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 2 times ऑफ द एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 6 इज ओके। 1+1 हमारा कट गया, -2 हमारा यहां से ये -2 ये कट गया, ये वैल्यूज बच रही हैं। एक्स स्क्वायर से मैंने नीचे से डिवाइड कर दिया तो ये तो यहां से 1 बचेगा, करेक्ट ना, ये तो हमारा यहां से 1 बचेगा। अब मेरे पास ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो मेरे पास यहां से कितना आ जाएगा, ln y, विजिबल है ना ये बेटा, ln y इज इक्वल टू ln ऑफ यहां से 1+ एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, और इनटू आपके पास 1/x2 आएगा बेटा। क्या यहां तक सही किया है? एक नहीं आएगा, एक कहां जाएगा फिर, एक कहां जाएगा? अगर हम यहां से इसको जस्ट देखेंगे तो ये हमारा कहां जाएगा फिर, ये x² by 2 factorial कहां जाएगा? इसका log ले लिया है, हमने log ले लिया है, 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 हमने यहां से कॉमन ले लिया। मैं कहीं पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, तो मिस्टेक दिख नहीं रही है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल यहां से 2 और 2 कट जाएगा, 2 2 काट दिया भाई, 2 और 2 काट दिया, ये लीजिए 2 और 2 काट दिया मैंने, मैं 2 और 2 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां से अपने बाकी पार्ट की। हमारे पास तो यही बचा ना, ये जीरो आएगा क्या? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/4 factorial आएगा, और अगर 1/4 factorial आएगा केवल, तो ये तो बेटा 1/4 × 3 × 2 आ जाएगा, तो ये 1/12 यहां से 24 आएगा, 1/24 आएगा, और अगर 1/24 आया तो आंसर तो e^(1/24) आना चाहिए ना। बताओ जरा यहां से, बताओ जरा यहां से चेक कर लो, लिमिट का ही तो क्वेश्चन है, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन यहां से e^(1/2) दिया है, एक हमारे पास e^(1/4) दिया है, और एक आंसर हमारे पास 1/b दिया है, और चौथा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। अच्छा हाँ, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने 2 कॉमन भी लिया था इसमें से पूरे में से, और अगर हमने यहां से पूरे से 2 कॉमन लिया था तो हमारे पास e^(1/12), ठीक है। अब आपने ये बोला ठीक है, लेकिन बेटा हमने यहां से, हाँ ठीक है करेक्ट, तो e^(1/12) भी आएगा, हमने ये 2 पूरे से कॉमन लिया, करेक्ट, 2x^2, करेक्ट, 1/12 आएगा। अब मेरा इशू केवल ये है कि मैं ये 1 कहां मिस कर रहा हूं, मेरा इशू केवल ये है कि हम सर 1 कहीं मिस कर रहे हैं क्या? हाँ, 1/2 इज फर्स्ट स्टेप में आया, दैट इज ओके, मैं आपकी सारी बात मानता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैंने यहां पे ये एक्सपेंड किया, इसको मैंने यहां पे ये एक्सपेंड किया, -2 जो था 1+1 करके मैंने -2 कट कर दिया, मेरे पास ये फंडा बचा, मैंने यहां से 2 ले लिया कॉमन,
एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एक्स। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी मैं ही गलत कर रहा था, ये टू कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू बची अभी ठीक है। एक्स स्क्वायर आपका सब जगह से कट जाएगा तो ये आपके पास यहां से 1 बाई टू प्लस का यहां से 1 बाई फोर फैक्टोरियल ऐसे करके कुछ बनेगा जाके। करेक्ट 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 ठीक है, नहीं आया समझ में। देखो यहां से यार मैंने ऐसा तो कुछ इसमें नहीं किया जिसके लिए आप ये बोलो कि सर मेरे समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने, हमने यहां से इसको ब्रेक किया है बस। हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और इसको मैं कह रहा हूं सर हमारे पास वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल है और प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल है, ध्यान से देखना। और ये हमारे पास कितना आया बेटा, मैंने यहां से आगे लिखना शुरू किया, ये हमारे पास आएगा प्लस का वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चला और ये माइनस टू आ गया, ये भी हमारे पास यहां से जस्ट ऐसे। बेटा हमने यहां से वन प्लस वन और प्लस टू यहां पे कट किया, देखते जाना बहुत आराम से, मैं ना बार बार मैं नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे पास यहां से वन बाई एक्स स्क्वायर बचा, बच्चे अगर हम यहां से जस्ट देखें तो मेरे ऑड टर्म जितने भी हैं ये एक्स एक्स कट गया, एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब कट गया, आप छोटे भी रखो हायर डिग्री टर्म को निग्लेक्ट कर दो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपके पास यहां से आएगा बेटा टू टाइम्स ऑफ द एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, ठीक है, यहां से प्लस आपके पास यहां से टू टाइम्स ऑफ द एक्स टू द पावर फोर डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल और यहां से एंड सो ऑन कर दो वन बाई एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां से हमारे पास ऐसे टर्म आ जाएगा। इज दैट क्लियर, ये वाला टर्म हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मैं मिस्टेक कर रहा हूं, राइट, मैं ही मिस्टेक कर रहा हूं। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू हमारे पास जीरो है, हमने यहां से जस्ट बेटा कट करने की कोशिश की तो हमारे पास ये वाला टर्म, हमने टू कॉमन ले लिया था तो ये हमारे पास यहां से टू इंटू हमारे पास ऐसे बन रहा है वन बाई टू फैक्टोरियल और प्लस बेटा हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल और ये चलता जाएगा जो भी आपके पास टर्म आ रहा है, इंटू मैं एल एन भी ले लेता हूं साथ में तो इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास जो टर्म आ जा रहा है ये मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं, ठीक है। रोहित तिवारी मुझे बता रहा है कि सर कुछ मिस्टेक हो रही है, सो प्लीज लेट मी नो कि मैं इसमें कहीं मिस्टेक कर रहा हूं कि इस वाले टर्म में कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूं क्या। ये वाला टर्म तो हमारा यहां से कट हो जा रहा है, दैट इज ओके, ठीक है। आंसर जो है वो नो डाउट डी है, आप अपना चेक कर लेना, तरीका यही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं ये पता नहीं कहां पे ये वन बाई टू वाला टर्म, अब आप मुझे बताइए कि मैंने कहीं पे मिस्टेक की क्या, कुछ भी मिस्टेक मैंने की यहां पे कुछ नहीं, ठीक है। चलो ये वाला आपके पास यहां से, बाकी आपके पास कुछ बचा नहीं, वन बाई फोर फैक्टोरियल वाला टर्म आएगा, ये वाला कट जाएगा पूरा का पूरा, जैसे ही वन बाई फोर फैक्टोरियल वाला टर्म आएगा दैट्स इट, आपका यहां से वन बाई ट्वेंटी फोर इंटू टू तो वन बाई ट्वेल्व बचेगा और ये आंसर ई रेस टू दी पावर वन बाई ट्वेल्व आ जाएगा, बस इतना सा क्वेश्चन, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है आपके पास, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां से तीसरा क्वेश्चन कोई बच्चा मुझे बोल रहा था कि इसको रिपीट करो, है ना, यहां से कोई क्वेश्चन कोई बच्चा बोला था रिपीट करो, तो आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन को रिपीट करने की कोई भी जरूरत है ना। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, वैल्यू ऑफ पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई वन बाई एक्स, पावर का एक्स स्क्वायर आएगा, पावर का एक्स स्क्वायर आगे आएगा, हाँ मतलब कहां पे पावर, ये रहा ना बेटा पावर का एक्स स्क्वायर, ये रहा ना बेटा ये आपके पास, अच्छा एक्स स्क्वायर रेस टू दी, हमने एक्स स्क्वायर बेटा कट कर दिया था अंदर ही अंदर, है ना, ये पूरा का पूरा था ना ऐसे, तो ये यहां से एक्स स्क्वायर मैंने यहां लिखा हुआ है, परेशान मत होइए, मैंने लिख दिया, ठीक है, हाँ वो बाहर होगा, वो बाहर होगा, ओके मैं समझ गया, मैं समझ गया, हाँ ठीक है ठीक है, ये एलएन के बाहर होगा, मैं एलएन के अंदर ले रहा हूं, ये एलएन के बाहर होगा, अब आपको यहां से जस्ट एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, मैं सॉरी आई एम सॉरी, ये जो जीरो आप यहां से देखेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा बेटा पार्ट बच रहा है आपके पास, आप जरा यहां से ध्यान से देखिए, हमारे पास ना वन बाई एक्स स्क्वायर है और ये एलएन के अंदर, ये एलएन के अंदर है, ये वन बाई एक्स स्क्वायर है, लास्ट वाला जो पार्ट, लास्ट वाला पार्ट ध्यान से देखिए, वो एलएन के अंदर है और हम उसको बाहर लिए, एक साथ ही अंदर ही लिए ले रहे हैं, बस ये एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी, उसको जरा करेक्ट कर लीजिए यहां से,
ठीक है। चलो चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, एक बार ये वाला क्वेश्चन करो। एंडिंग पार्ट नहीं समझा, मैं अभी करा दे रहा हूं, अभी करा दे रहा हूं, दो मिनट पहले इसको करो। एक क्वेश्चन पे टाइम चला जाता है तो थोड़ा सा वो बच्चे जो कर लेते उनका रह जाता, पहले इसको करो, अभी मैं करा दे रहा हूं, है ना अमित निशान, मैं अभी करा रहा हूं बच्चे। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स रेस टू द पावर वन बाई एक्स, आपके पास फिर से वही वाला टर्म है, आपको वन बाई एक्स देखना है। अमित मैं अभी करा रहा हूं, बस अभी रुकिए, पहले इसको कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम की आज कमी है। यस बेटा बताएं, द वैल्यू ऑफ लिमिट पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स रेस टू द पावर वन बाई एक्स, कुछ नहीं करना है, आसान है। हाँ अभी 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 जस्ट एंडिंग पार्ट में अभी बता रहा हूं, दो मिनट रुक जाए, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताना। एक्सटेंस टू इन्फिनिटी है बेटा, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स है। अगर मैं इसको करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे पता है कि सर वाई इज इक्वल टू है, तो एल एन वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, एल एन वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, लिमिट लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी और ये आ जाएगा वन बाई एक्स, और यहां से कितना आ जाएगा पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। मैं कह रहा हूं कि ये वन बाई एक्स को ना यहां से हटा के डिवाइड बाई एक्स कर दो। अब आप यहां से जस्ट देखो, ये मेरे ख्याल से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस है, अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस है तो आप यहां से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, एल हॉस्पिटल लगा दो, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, ये बेटा आपके पास आ जाएगा माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, इज दैट करेक्ट, ये करेक्ट है क्या, माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन में हर्ष गांधी मैं आता हूं बेटा, है ना, मैं अभी आता हूं प्रीवियस क्वेश्चन में, उसमें मैं मिस्टेक कर रहा था, माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर यही आएगा क्या, और यहां से बेटा डिवाइड बाई आपके पास कितना आ जाएगा वन, इज इट ओके, इज इट ओके। आप यहां से जस्ट जल्दी से देखिए क्या ये सही है, हमने लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी रखा और इन्फिनिटी रखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, सर हमारे पास कुछ इस टाइप से आ रहा है। अच्छा मैंने बोला कि नहीं सर ये ln में था, नहीं सर ये मेरा जो पार्ट है ना वो ln में था, और अगर ln में था तो 1 बाई कितना आ जाएगा पाई बाई टू और माइनस का कितना आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, करेक्ट है क्या, ऐसे आ जाएगा बच्चे, है ना। कॉट इन हमने यहां से जस्ट बोला कुछ इस टाइप से, कॉट इनवर्स से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है और ये बेटा आपके पास माइनस ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास पाई बाई टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अगेन अगर आप यहां से देखेंगे तो जैसे ही रखेंगे इन्फिनिटी तो आपके पास ये इन्फिनिटी बाई यहां से इन्फिनिटी का फिर से जीरो बाई इन्फिनिटी का केस है ना। एल एन है बच्चे तो एल एन मैंने लगा दिया है यहां से, एल एन का जब आप यहां से डिफ्रेंशिएशन लेंगे देखो ना आराम से, अरे एल एन है ना, एल एन है, यहां से प्रॉपर देखोगे तभी तो समझ में आएगा, हमने कुछ नहीं किया, ये वाला वैल्यू है इसको हमने यहां से डिफरेंशिएट किया, जब डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास कितना मिला वन बाई, ये बेटा कितना आया, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन बाई पाई बाई टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, करेक्ट, और इसका जब करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा माइनस ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, इसका एक्स का करोगे तो सर वन, इसका एक्स का करोगे तो वन,
मैंने बोला कि सर माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं करूंगा तो डिवाइड बाई मेरे पास ये पाई बाई 2 और माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स आ रहा है। चलो यहां से फिर से देख लेते हैं, है ना। अरे ले तो लिया है। दो मिनट रुक जाओ, मैं इसीलिए यहां पे लिखा हूं कि हाँ ठीक है, अब देखो तो कि हाँ सर ऐसा ऐसा आया। अब हमने जस्ट बेटा बोला कि सर अभी भी अगर मैं रखूंगा ना लिमिट को, तो आप यहां से देख पाएंगे कि सर लिमिट का अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो अभी भी सर नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी मेरे पास समझ में नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा भाई, एक काम करो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। और डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है क्या ये 2x डिवाइडेड बाई आपके पास यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा बेटा यहां से माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करिए एक बार क्या ये सही है, माइनस ऑफ यहां से 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल लगाया, दोबारा से जब एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो आपको यहां से जस्ट समझने की जरूरत है। और अब मुझे बताइए क्या अभी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्या अभी आप यहां से कर सकते हैं? अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। आपने बोला कि सर क्या सॉल्व करेंगे, मैंने बोला कुछ नहीं, इसको उड़ा दो। आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, बस माइनस साथ में है तो लिमिट लगा दो। कहां पे लगाएंगे, यहां लगा देते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। आपके पास जो बच रहा है वो माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई बेटा आपके पास कितना बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने यहां से x हटाया तो कितना मिला आपको, आपको x हटाने पे बेटा कितना मिल रहा है माइनस ऑफ, जस्ट सॉल्व करिए, 2 डिवाइडेड बाई आपके पास 1 बाई एक्स, और यहां से कितना है प्लस का x। क्या अभी हो जाएगा, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का केस है, एक बार और कर देते हैं, है ना। अगर हम एक बार और कर दें तो हमारे पास डिफरेंशिएशन कितना बचेगा, मैंने बोला कि माइनस 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास 1 प्लस 2x। अरे ये तो जीरो आ रहा है, ये तो जीरो आ रहा है, और अगर आंसर जीरो आ रहा है तो अब मैं क्या कर सकता हूं सर। मैंने बोला कि सर एल एन वाई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, बता दो यहां से, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। क्या आ गया आंसर, 1 बाई एक्स कहां गया। अगला कंफ्यूजन आया कि सर 1 बाई एक्स कहां गया, 1 बाई एक्स मैंने खा लिया था, रोहित तिवारी है ना बच्चा। यहां पे डिफरेंशिएशन इसका और इसका दोनों का करेंगे ना बच्चे, देखो ना सर आप कैसे खा सकते हो, आप x को कैसे खा सकते हो। मैं बोला x को ही तो हटाना था, देखो ना बेटा यहां से इसको भी डिफरेंशिएट करना था, इसको भी डिफरेंशिएट करना था। तो ये देखो यहां पे मैंने 1 लिखा है प्रॉपर, है ना, लिखा है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो हो गया। तो आंसर इसका 1 आ रहा है, कितने लोगों का आंसर 1 आ गया। चलो ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है वो 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपके पास इस टाइप से दिया गया, द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3 रेस टू द पावर 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होना चाहिए, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। चेक करना जरा एक बार क्वेश्चन को, है ना, अगर कोई मिस्टेक से देख गया है तो उसको दोबारा से देख लेना, ये एक्स माइनस 1 का टोटल होल स्क्वायर होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा बच्चे, है ना। हाँ ठीक है, चलो चलो जल्दी से करो, जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है ये। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, आप बोलेंगे सर इसमें 1 रखा तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आया 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 5 बाई 6। ये आपके पास जो कहानी बन रही है वो 5 बाई 6 रेस टू द पावर की कहानी बन रही है। देखो यहां से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप यहां से 5 बाई 6, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें जाओ इसको भी, ये भी बाउंसर हो गया क्या अमित का कहना है कि सर सब बाउंसर हो गया। हाँ मेरा लिखना थोड़ा सा, यहां से ऐसे लिखता हूं ना तो वो अजीब हो सकता है, बट ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान था, इसमें क्या बाउंसर हुआ बताओ जरा, एक मिनट, अमित को डाउट आ रहा है, अमित को डाउट आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन बेटा गलत हुआ, समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत आई जल्दी से मुझे बता दो, इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं, क्लियर है ना मेरे ख्याल से सबका। जीरो कैसे हुआ, अच्छा ये बात एक बड़ा इशू है कि सर जीरो कैसे हुआ, ये किसका क्वेश्चन था कि जीरो कैसे हुआ, मैं भूल गया आपका आंसर करना, किसी ने बोला था जीरो कैसे हुआ, अमित का।
अच्छा बेटा देखो ना, यहां से ये आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी आया ना, ये 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी और माइनस 2 बाई इन्फिनिटी क्या जीरो ही तो आएगा, माइनस 2 बाई इन्फिनिटी। अब मैं एक 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 स्टेप बस मिस कर गया, माइनस 2 बाई इन्फिनिटी, लो भाई गलती हो गई, ये जीरो आएगा। ओहो लो लिख दिया, मैंने लिख दिया, यहां से जगह नहीं है ना, प्रॉब्लम ये माइनस 2 बाई 1 प्लस 2 इंटू इन्फिनिटी है, क्या आप इसको कुछ नहीं करेंगे, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी माइनस 2 बाई इन्फिनिटी जीरो। ठीक है चलो इसको देखो जरा, जब आपको यहां से आपको कोई भी पॉलिनोमियल मिल रहा है, अगर उसकी फिक्स वैल्यू मिल रही है तो ठीक है, फिक्स वैल्यू में तो कोई इश्यू है नहीं। अब हमने फिक्स वैल्यू को यहां पे ऐसे रख दिया, इश्यू केवल इस पे आएगा जब आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया, यही मिस्टेक कर जाएगा सर। अब अगर ये मिस्टेक कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं सर, मैं यहां से 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 है, क्या कर सकते हैं बेटा, कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 है, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, यस ब्रेक कर सकते हैं। कॉस ऑफ एक्स, कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन एक्स, तो 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 2 ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस 1, कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है क्या, यस, बाय 2 और आ जाएगा साथ में, डिवाइडेड बाय आपके पास यहां से एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या ये सही है। हाँ लास्ट क्वेश्चन में हर्ष गांधी जो आपने पाया है माइनस 2x, यही मैंने पाया था माइनस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तरीका यह है कि या तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो या यही निपटा दो, अभी भी तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है ना। अब यहां से मैंने एक बार और एलहॉस्पिटल लगा दिया तो माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस, यहां से ये आपके 1 हटा ही दो, माइनस 2 डिवाइड बाई यहां से ये आ जाएगा, समझे, तब भी 1 बाई एक्स का फॉर्म आएगा, समझो ना। अब क्या करें, मतलब ठीक है, बस कुछ नहीं था बच्चे, कुछ नहीं था, मैंने यहां से डिफरेंशिएट किया, इवन मैं यहां पे देखो 1 लिख गया था, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं थी, माइनस 2x डिवाइडेड बाई आपके पास यहां से 2x स्क्वायर हो रहा था, ये 1 बाई एक्स था, 1 बाई एक्स को इन्फिनिटी अगर यहां से सॉरी 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 नहीं लिख पा रहे हो, बस मेरा थोड़ा हौजपौज हो जाता है, अरे ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब आपको देखो पॉलिनोमियल है तो इसकी वैल्यू तो सोचने की जरूरत नहीं, सर लिख दिया, यहां से इसको कट करोगे अब आपके पास आएगा 5 बाई 6 रेस टू दी पावर, और मैं पहला क्वेश्चन अगर आपको वाकई में डायरेक्टली पहला क्वेश्चन पे ले आता तो इश्यू हो जाता, यहां से x माइनस 1 डिवाइड बाई बेटा आपके पास 2 है एक एंगल, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, मैं इसको 2 नीचे ले आ रहा हूं है ना, यहां से कट करके, क्या ये साइन स्क्वायर यहां से बन गया, साइन स्क्वायर देखो हमारा यहां से बन गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 1 5 बाई 6 और ये आ रहा है बेटा साइन ऑफ एक्स माइनस 1 बाई 2 का डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, क्या ये ऐसे बन गया क्या, क्या ये ऐसे बन गया क्या, बताना जरा मुझे आंसर, अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से सॉल्व करिए अपने आप, है ना, सॉल्व करिए अपने आप, सॉल्व करिए अपने आप, ठीक है, अगर आप कर पा रहे हैं तो, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा अजीब लिखता हूं बस इस वजह से दिक्कत हो सकती है आपको, बाकी दिक्कत होनी नहीं चाहिए है ना, और इसीलिए मैं बार बार ऐसे कर लेता हूं तुरंत, क्योंकि मेरा डस्टर ना बड़ा खतरनाक है, डस्टर बड़ा खतरनाक है। अब आप जल्दी से करिए जल्दी से, ये तो करेक्ट है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 1 ये तो सही है ना सर, 5 बाई 6 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां से एक्स माइनस 1 का डिवाइड बाई 4 आएगा, क्या कौन सा डिवाइड बाई 4 आएगा, ये अच्छा अभी मैंने यहां से जस्ट बोला कि सर ये हमारा यहां से कट गया, तो मैं यहां से जस्ट देख लेता हूं कि सर लिमिट एक्स टेंस टू 1 है और ये 5 बाई 6 है रेस टू दी पावर, बेटा हमने यहां से जस्ट देखा कि साइन ऑफ एक्स माइनस 1 बाई 2
डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर चाहिए, तो हमने क्या कर लिया यहां से, हमने यहां से जस्ट बोला कि सर टू तो मेरे पास था, समझो यहां से टू तो मेरे पास था, इसका तो होल स्क्वायर ले लिया, तो हमने क्या कर लिया टू का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, हमने क्या कर लिया टू का मल्टीप्लाई कर लिया, क्या करेक्ट है अभी, हमने यहां से जस्ट ये फोर हो रहा था तो हमने यहां से टू का जस्ट मल्टीप्लाई कर लिया। अब मुझे यहां से बताओ कि सर टू का यहां क्यों मल्टीप्लाई कर दिया आपने, टू का यहां तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना सर, आप गलत कर गए हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये डिवाइड था ना, तो यहां से वन बाई टू कर लो ना, किसने मना किया, समझ गए। अच्छा आंसर बताओ यहां से जल्दी से कितना आ रहा है, आंसर बताओ कितना आ रहा है, आंसर बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 जीरो, कुछ भी करो 1 आ रहा है कि माइनस 1 आ रहा है कि जीरो आ रहा है या नन ऑफ द अबव आ रहा है। यस, तो आप क्लियरली देख पाओगे सर हमारा कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। आप एक्सटेंस टू 1 रखोगे तो साइन 0/0 का फॉर्म बन रहा है सर, और अगर 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो सर हमने बोला कि सर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट, दैट्स इट फिनिश, जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, बस खत्म, ठीक है, ठीक है। हाँ ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये एक उसने क्वेश्चन पूछा है सेवेंथ का, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस मोड ऑफ x डिवाइड बाई 7x माइनस 5 ऑफ मोड x, है ना, तो आपको जल्दी से अंडर रूट 5x 5/6 कहीं पे लाई नहीं कर रहा है, डी ऑप्शन वॉज करेक्ट। इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का, अगर आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए इसका, अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए कि सर आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो ये जाता है, है ना। अब मॉड एक्स का जो ग्राफ जाता है वो ये जाता है, उसने बोला कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, बस आप ये बता दीजिए, तो 0 प्लस पे और 0 माइनस पे सर ये आता है, सर आ तो बराबर रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, अब एग्जिस्ट कर सकती है तो यहां पे जरा पुट करते हैं एक बार, लेकिन सर हमें केवल मॉड एक्स होता तो बात करते ना। एक बार देखो यहां से लिमिट 0 प्लस 0 माइनस पे चेक कर लो, हमारे पास बेटा यहां से लिमिट एक्स टेंस टू 0, आपके पास यहां से 3x, एक बार माइनस एक्स पे चेक करेंगे तो 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना आ जाता, 7x प्लस 5x, करेक्ट है क्या ये, और अगर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे चेक कर लेते तो ये कितना आ जाता, 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 7x माइनस 5x, करेक्ट है क्या ये, करेक्ट है क्या ये, डी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, 2 आ रहा है क्या आंसर, ये बेटा आपके पास यहां से 2x डिवाइडेड बाई 12x आ रहा है, तो आंसर आपके पास 2/12 आ रहा है, इस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं ना, ये आपके पास 4x डिवाइडेड बाई आपके पास 7x माइनस 5x आ रहा है, ये आपके पास यहां से 2x आ रहा है, आंसर आपका यहां से 2 आ रहा है। एक में 1/6, एक तरफ 1/6 है एक तरफ 2 है, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बेटा, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 0 माइनस 0 प्लस पे हमने चेक किया, 0 माइनस 0 प्लस पे चेक किया, जल्दी से बताओ, रोहित तिवारी का 2 आ रहा था, बाकी लोग बताएं, लिमिट हार्ड लग रहा है, बताइए, LHL नॉट इक्वल टू RHL है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा, डी, खत्म, ठीक है। हाँ रोहित ने आंसर 2 दिया था, रोहित प्लीज चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ द लिमिट log x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस e, वैल्यू ऑफ द लिमिट log x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस e, x टेंस टू e बोला है,
अमित बेटा, अमित निषाद, आपको क्वेश्चन आ गया क्या? कुछ नहीं है, लिमिट एक्स टेंस टू ई और ये लॉग एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस ई है, जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। देखो अब आपको क्वेश्चन तो आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको मुझे बताना पड़ेगा सर आप गलत कर गए हो, है ना, तरीका वही है, तरीके में कुछ भी चेंज नहीं है, आपको जस्ट दिखा जैसे दिखा, मैंने बोला था ना पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल दिखेगा, देखो पीछे वाला क्वेश्चन, इसको अगर दिखा तो डायरेक्टली आपने रख दिया, ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन ये देखना तो आपको पड़ेगा ना, याद तो आपको रखना पड़ेगा। आप यहां से जस्ट देखो क्या करोगे, एल एन एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे क्या, लगा दो यहां से तो वन बाई ई आएगा क्या, ई रेस टू द पावर माइनस वन नहीं कर पा रहे हो, खत्म, सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ ये मैं समझ सकता हूं, सॉल्व बेटा आपको खुद ही करना पड़ेगा, हो सकता है कि मतलब कहीं ना कहीं से वो चीज आपकी वीक हो रही हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वाला देखिए जरा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये तो आसान था ना, ये तो आसान था मेरे ख्याल से, एक लाइन का था, देखो जीरो वाई जीरो का फॉर्म आ रहा था, आपने एल हॉस्पिटल लगा दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स रेस टू द पावर वन बाई एक्स आ रहा, यहां से लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स रेस टू द पावर वन बाई एक्स आ रहा, क्या करोगे इसमें, सी सी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मैं गलत लिख जाता हूं बीच में, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं मतलब लिखता हूं उस टाइम पे कुछ और सोच रहा होता तो वो गलत लिख जाता हूं, तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना, बाकी आपको वैसे कॉन्सेप्ट पे इश्यू नहीं आएगा। सुनिए जल्दी से, जल्दी से, जीरो अगर हम यहां से जस्ट देखें तो बेटा टेन पाई बाई फोर, पाई बाई फोर की वैल्यू हमारे पास यहां से जस्ट देखो जल्दी से, हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, एल एन लेना पड़ेगा, तो मैं ई रेस टू द पावर लिख रहा हूं डायरेक्टली, है ना, ई रेस टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये बेटा हमारे पास यहां से आ जाएगा टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स, और यहां से बच्चे आपके पास आएगा डिवाइड बाई एक्स और आ जाएगा, सॉल्व कर लो बस इसको, हो गया खत्म। ई आएगा क्या, ई आएगा क्या आंसर, ऋषि ने बताया ई आएगा यहां से, ई रेस टू द पावर यहां से लिमिट ऑफ ये एल एन में आएगा, हम सॉरी एक्स टेंस टू जीरो ये एल एन में आएगा, तो एल एन ऑफ बेटा कितना आ जाएगा यहां से, देखो जरा, देखो जरा, वन प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई यहां से वन माइनस टेन एक्स, करेक्ट है क्या ये, एक काम करो यहां से अगर मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दू, एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दू तो हमारा क्या जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ रहा है क्या, सिर्फ ई आ रहा है, देखो एक बार चेक करो आंसर, ऑप्शन में ई नहीं गिवेन है ना, ऑप्शन में ई नहीं गिवेन है, तो उसको चेक कर लो बस कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ ई आ रहा है ऐसा लोगों का कहना है कि सिर्फ ई रहा है। क्वेश्चन नंबर चेक करिए नाइन को, चेक करिए जल्दी से, आंसर में गिवन नहीं है, आंसर आपका ई स्क्वायर गिवन है, सी आ रहा है क्या, आ जा रहा है क्या, सी आ गया ई स्क्वायर, कोई बच्चे बोले थे सिर्फ ई आ रहा है, बताओ ना कुछ, अगर हम यहां से जस्ट चेक करें, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, ई रेस टू द पावर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, आप यहां से जस्ट बेटा बात करेंगे जीरो रखेंगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, एक काम कर लेते हैं एल एन ऑफ डिफरेंशिएट कर दें क्या, डायरेक्टली डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दें क्या, सी आ जा रहा है क्या, अगर हम यहां से लिखें वन माइनस यहां से वन प्लस टेन एक्स नाइन नाइन नाइन, इसको कैसे ब्रेक करेंगे,
यहां से, इसको हम यहां से क्या कर सकते हैं, sin x by cos x में ब्रेक कर सकते हैं क्या? सी आ गया, सी आ गया, एनीवन? इसको हम क्या कर सकते हैं sin x by cos x में सर ब्रेक कर सकते हैं क्या? जीरो बाय जीरो। अगर मैं यहां से टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है ये बताओ जरा, ई रेस टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टू टेन एक्स, वन प्लस टू टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन एक्स, हाँ अभी सही है, और इंटू यहां से वन बाई एक्स, इंटू यहां से वन बाई एक्स। जरा अप्लाई करो, अगर हम यहां से जस्ट देखेंगे बेटा ये जीरो, ये हमारे पास वन माइनस जीरो, तो वन बाई एक्स आ रहा है जीरो। एक बार बताओ जरा, मैं यहां से जस्ट टेन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू वन, तो वन प्लस एक्स बाई एक्स आ रहा है, और यहां से तो ब्रेक होगा नहीं डायरेक्टली, हाँ चलो कम से कम ये तो बताए, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी कर सकते हैं, दैट इज ओके, वो तो यही हुआ ना, वो तो वही हुआ ना। मैं यहां से जस्ट इसको डायरेक्टली ब्रेक करना चाह रहा था, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब आप यहां से ट्रिग्नोमेट्री की कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो है ना, और यहां पे जीरो पुट कर देते हैं तो वन आ जाता है। कुछ और कर सकते हैं क्या, हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं कि भाई ये वैल्यू आपके पास यहां से वन प्लस टू इंटू जीरो, तो वन बाई एक्स आ तो जा रहा है क्या, और लेकिन डिवाइड बाई जीरो आ जा रहा है। यहां से कैसे करेंगे मुझे बताओगे जरा, कैसे करेंगे यहां से, क्या करेंगे, ई स्क्वायर आ रहा ना, सिंपल जीरो बाई जीरो फॉर्म से डेरिवेट ले लें, दैट इज ओके, सिंपल जीरो बाई जीरो फॉर्म से डेरिवेट ले लें, लेकिन यहां पे जीरो बाई जीरो फॉर्म कहीं पे आ रही है क्या, देखना जरा यहां पे। अगर मैं यहां से जस्ट बोलूं कि सर मेरे पास ई रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंस टू जीरो है, और ये लिमिट ऑफ हमारे पास पाई बाई फोर है, प्लस का एक्स है, और यहां से बेटा अगर मैं जस्ट बोलूं भी, तो मेरे पास क्या यहां से जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, नहीं, हाँ ln वन है, तो सर एक काम कर लेते हैं, e रेस टू द पावर लिमिट हमारे पास x टेंस टू जीरो है, ये हमारे पास टेन ऑफ पाई बाई फोर था, ये सर वन प्लस हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी, तो मैंने बोला वन बाई टेन ऑफ पाई बाई फोर आ जाएगा, वन बाई टेन पाई बाई फोर प्लस का x आ जाएगा, और ये हमारे पास यहां से इंटू वन आ जाएगा, करेक्ट, तो e टू द पावर वन ही तो आ रहा है आंसर, e टू द पावर वन ही तो आ रहा है आंसर, बताओ जरा, एन टू एक्स का फॉर्मूला ब्रेक कर दें, चलो e टू द पावर वन ही तो आ रहा है आंसर, अच्छा कर लिया होगा आपने, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमने यहां से जस्ट बेटा बोला कि हमारे पास यहां से ये जो भी आ रहा है e टू द पावर वन ही तो आ रहा है, एक काम करो यहां से, ओके, टेन ऑफ पाई बाई फोर ई रेस टू द पावर लिमिट टेन टू एक्स का फॉर्मूला हमारे पास कितना आता है, टू टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, लेकिन यार दोनों दोनों कैसे आ जाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और यहां से कितना आ जाएगा बेटा, वन प्लस टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स, फिर ये बड़ा लंबा जा रहा है, बढ़िया लंबा जा रहा है, बड़ा लंबा जा रहा है, कुछ मिस्टेक कर गए, कुछ मिस्टेक, कोई ऐसा आंसर बताओ जिससे मैं इसको एक लाइन में कर पाऊं, कुछ ऐसा तरीका बताओ जिसको मैं एक लाइन में कर पाऊं, कि नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे कर सकता हूं, कुछ कर सकते हैं क्या इसको एक लाइन में, हमने यहां से बोला सर मैं ऐसा कर सकता हूं ln y इज इक्वल टू, आपने कर लिया, मुझे पता है आपने कर लिया, मैं जस्ट जानना चाह रहा हूं कि सर एक लाइन में कर सकते हैं क्या इसको, वन बाई एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा टेन ऑफ पाई बाई फोर और प्लस का x, कोई तरीका ऐसा जिससे हम कर सकते हैं, या लिमिट लिखा हुआ, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, ये मेरे पास सर यहां से वन बाई एक्स, और ये हमारे पास वन प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन एक्स, ठीक है, कुछ बताओ यहां से। अब हम यहां से जस्ट देखें बेटा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा,
लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, आप यहां पे जीरो रखेंगे तो बेटा ये हमारे पास यहां से वन प्लस सर ऐसा आ रहा है, इसको ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट का एलएन लेने के बाद हमने यहां से लिमिट का एलएन ले लिया, उसके बाद एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। चलो भाई एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, हमारे पास सर ये फॉर्मूला है। अब हमने यहां से क्या बोला कि सर ऐसा लिख सकते हैं वन प्लस टू टेन एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास वन माइनस टेन एक्स है और डिवाइड बाई हमारे पास एक्स है, बस इतना सा फंडा है। अब आप यहां से जस्ट देखेंगे तो आपके पास ये सर यहां से टू टेन जीरो डिवाइड बाई वन माइनस हमारे पास यहां से सर कितना आ जा रहा है टेन जीरो जीरो, तो हमारे पास थ्री बाई एक्स आ रहा है। सर ये क्या कर दिया आपने, यहां से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ये बेटा वन प्लस टू, ये कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस सेक स्क्वायर एक्स और यहां से वन आ जाएगा, ये तो थ्री आ रहा है, ई क्यूब आंसर आ रहा है मेरा। चलो आपने कर लिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। इतनी देर से सर हमको बेवजह घुमा रहे हो और घुमाते रहते हो घुमाते रहते हो और फिर बोलते हैं कि सर लिमिट हमको ना टफ लग रही है। ठीक है, यस बेटा, आप यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका ई स्क्वायर आएगा, आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका ई स्क्वायर आ रहा है। मैं जस्ट देख रहा था कि आप और कोई आसान तरीका लगा सकते हैं। ठीक है ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन कर लो, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है आपको। देखो मैं आपको बता दूं, अगर किसी को नहीं आया, आप यहां से जस्ट इसको जस्ट कुछ नहीं करना था, आपने यहां से एलएन लिया, ये आपके पास यहां से एलएन साथ में रहेगा, एलएन में लिखना भूल गया, एलएन आपके पास साथ में रहेगा, आप यहां से जब एलएन को ब्रेक करोगे आपके पास ये रहा, आपको पता है ये सारी चीजें, आपको डिफरेंशिएट करना, जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये वन बाई सारी जो भी चीजें आ जाएंगी, फाइनली आंसर आपके पास ई स्क्वायर आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको ब्रेक करके इसको इस फॉर्म में लिख लेना, बस इसको इस फॉर्म में लिख लेना, वन बाई एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस टू टेन एक्स और डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन एक्स, है ना, आंसर आपका ई स्क्वायर आ जाएगा, दैट्स इट। चलो एक और क्वेश्चन कर लो जल्दी से एंड उसके बाद फिनिश करते हैं, बिकॉज अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा मुझे काम है। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी और कल मैं स्टार्ट करूंगा कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चंस आपके, मैं करूंगा इस पे, क्या नाम है, ऐप पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बेटा ऐप पे, प्लीज इसको जल्दी से करिए। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस ऑफ रूट ऑफ एक्स, मैं सर्च कर रहा था कि कोई शायद अगर हमें यहां से ऐसा मिल जाए जिससे मैं और थोड़ा सा शॉर्ट कर पाऊं। यस बेटा, हाँ समझ गया, मैं समझ गया समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन बाई एक्स बाहर रहेगा बेटा, वन बाई एक्स बाहर रहेगा, है ना, वन बाई एक्स बाहर रहेगा, अगर मैं लिख गया हूं तो उसको सही कर लीजिए। अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंस टू इंफिनिटी है आपके पास, आपको मैंने एक ही चीज बताई, इसका एक ही फंडा बताया, वो फंडा देखिए, वो फंडा मुझे बताइए, वो फंडा देखिए और वो फंडा मुझे बताइए, हम क्या कर सकते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स याद आया, रूट दिखे रैशनलाइज कर दो, आपके पास
यस, वन बाई टी डाल दो, वन बाई टी डाल दो, यहां से कितना आएगा बेटा आपके पास, अगर यहां से इसको रैशनलाइज करोगे तो आपको मेरे ख्याल से आ जाएगा एक मिनट में, आपके पास कितना आएगा बेटा, एक्स एक्स कट जाएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, सॉरी ऐसे आएगा, एक्स इज इक्वल टू वन बाई टी डाल दो जल्दी से, एक्स इज इक्वल टू वन बाई टी डाल दो, या आप एक्स कॉमन ले लो, खत्म करो, एक्स आप कॉमन लोगे तो बेटा आपके पास यहां से रूट ऑफ वन प्लस यहां से रूट ऑफ वन बाई एक्स डिवाइडेड बाई यहां से कितना आएगा, वन प्लस रूट ऑफ वन बाई एक्स और यहां से आएगा रूट ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर, प्लस आपके पास यहां से भी बेटा कितना आ जाएगा, एक्स आपने सब जगह से कॉमन लिया है, यहां से कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, करेक्ट है क्या ये, करेक्ट है क्या ये, यहां से जरा ध्यान से देखो क्या ये करेक्ट है, अगर आप देख पा रहे हैं कुछ नहीं किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया है, आपका x सब जगह से कॉमन ले लिया, x इस जगह से यहां से कॉमन लिया तो 1 प्लस वन बाई एक्स बचा, ठीक है, इस जगह से कॉमन लिया तो 1 प्लस वन बाई एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर बचा, यहां से भी चला गया तो रूट ऑफ वन आपके पास यहां से ऐसे आ गया, जरा देखो ध्यान से, जरा देखो ध्यान से अगर मैं कहीं पर गलत कर रहा हूं, वैसे गलत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सर ऐसा है, और अगर ऐसा है बेटा तो x टेंस टू इंफिनिटी डाल दो, ये वाला टर्म जीरो, ये वाले टर्म जीरो, आपको क्लियरली आंसर आ जाएगा वन बाई टू, अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे तो, ए नहीं आएगा बच्चे हर्षिता, ए नहीं आएगा मेरे बच्चे, देखो जरा, नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सर, मैं वन बाई टी देखना चाह रहा हूं, वन बाई टी डाल दो, क्या दिक्कत है, वन बाई टी डाल दो, 1 बाई टी से t इज इक्वल टू जीरो आएगा, थोड़ा सा एक टर्म बढ़ जाएगा और खत्म, अगर आप डायरेक्टली कर पा रहे हैं तो कर दो, यस चलो 1 बाई टू आ रहा है, गुड, चलो आज मुझे थोड़ा सा काम है, आज मैं थोड़ा सा जस्ट आपको जल्दी छोड़ रहा हूं, आप एक काम करिएगा, आप एक बस एक काम करिएगा, यहां से कुछ क्वेश्चंस दे दूं आपको करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस दे दूं आपको ट्राई करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस दे दूं आपको ट्राई करने के लिए, अगर आप करना चाहो तो, बी आएगा ना, हाँ बी आएगा, चलो यहां से कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, और ट्राई करने के बाद हम लोग उनको करेंगे स्पेशल क्लास में, आप यहां से क्वेश्चन नंबर वन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर वन ले लीजिए आपको करना है, क्वेश्चन नंबर आप यहां से टू ले लीजिए आपको ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू, यहां से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, आप यहां से इन क्वेश्चंस को ट्राई करके आएंगे फिर हम इनको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 प्रैक्टिस करिएगा जितना कर पाए, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17 18 19 एंड लास्ट वन इज 20, ठीक है, अभी मैं आपको एक शीट और देता हूं, उस शीट को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, एक शीट और दे देता हूं, उस शीट को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, और उसके बाद जो बचेगा वो हम देख लेंगे, ठीक है, शीट हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो आपका यहां पे स्पेशल में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग लीव करते हैं, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो काम निपटा लेता हूं, ये आपके फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए थे, वो फॉर्मूले एज इट इज अभी लिखे हुए, ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल से मैं कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करूंगा, तो कल से कॉन्टिन्यूटी में आप लोग ज्वाइन करिएगा सारे के सारे, जिसको भी कॉन्टिन्यूटी पढ़ना हो, तो दिस इज द कोड एंड बी विद त्यागी 100, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू,
आप ट्राई करते रहिए क्वेश्चंस को, है ना। क्वेश्चंस ट्राई करने में जस्ट आपका क्वेश्चन फास्ट आना चाहिए एज कंपेयर टू मी, जैसे जैसे मैं करूं आपको मुझे बताना चाहिए, है ना। अक्सर सर 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 आपने यहाँ पे गलत लिख दिया, है ना। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा फास्ट आना चाहिए, आप थोड़ा सा ट्राई करिए कि जितना जल्दी हो पाए। मैं प्रैक्टिस की एक शीट भेज देता हूँ, हाँ कल होगा यूट्यूब पे, कल होगा यूट्यूब पे। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना, इनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जस्ट क्लास के 10 मिनट में डिस्कस हो जाएंगे अगर आप खुद करके आओगे तो, ठीक है। अगर आप खुद करके आओगे तो 10 मिनट में डिस्कस हो जाएंगे। चलो फिर ओके, कल ऐप पे नहीं, कल यूट्यूब पे है, कल यूट्यूब पे क्लास है सेम टाइम पे, ठीक है। आज की क्लास जो थी वो कल थी, बट मैंने कल वाली क्लास पे शिफ्ट कराई, तो चलो ओके बच्चे, ओके थैंक यू, थैंक यू।